दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। फरीदकोट पुलिस द्वारा एक ऐसे नौजवान को काबू किया गया है जो डीटीओ दफ्तर में काम करते हुए जाली दस्तावेजों का कारोबार करता था। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से बड़ी संख्या में गाड़ियों के जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जसवीर कुमार के रूप में हुई है, जो कि गैर कानूनी तरीके से बिना सरकारी फीस दिए वे जाली दस्तावेजों पर जाली ड्राइविंग लाइसेंस, RC सहित अन्य दस्तावेज तैयार करता था। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी को काबू कर उससे पूछताछ की जा रही है। जसवीर कुमार पुत्र बलराज कुमार नाम का एक एजेंट जिहड़ा सी उह अरेस्ट किया सीगा। उह जिहड़ा कि DTO दफ्तर विच लगा होया सी एजेंट के तौर पर, तो उह जाली RC ते लाइसेंस तैयार करके लोगों नूं अगे दिंदा सीगा। उहनां दे अरेस्ट होण तों बाद इनकुआरी के दौरान जां तफ्तीश दे विच इह गल सामने आई सी कि इहनां इह जिहड़ा हैगा सीगा जसवीर कुमार नाम का लड़का सीगा, ये जिहड़े DTO दफ्तर में कलर्क लगे हुए ने, ठीक है, उन्होंने मिलीभूत के नाल ही उतों लाइसेंस RC तो होर डाकूमेंट्स तैयार करता सीगा, तो बिना फॉरमैलिटी तो ये लोगों को वध फीसा लैके वध रुपए लैके ये लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, जो प्रोपर चैनल से वो अडोप्ट नहीं करते। इस दौरान पूछगिछ में ये मुल्कराज तो एक सुरेंद्र भंडारी कलर्क सीगा, तो एक सुरेंद्र कुमार, ये तीन सके जे DTO दफ्तर के असिस्टेंट कलर्क कह लो ज सहायक सके जूनियर, ये तिना का ना तफ्तीश के आया से जिन्होंने अज इन्होंने दो बंद अरैसट किया गया।